है 376D जे गैंगरेप के सजा छे और एटा पोक्सो एक्ट 4x6 के उसमें दोनों सजा में सासा सजा गेल गया। वही में पीड़िता के 5 लाख रुपया DLSA के द्वारा दिल जेते और हरेक अभियुक्त के द्वारा 25-25 हज़ार से जुर्माना कल गया। अगर वो जुर्माना नहीं दी सकते 1 साल के और अगर सजा अवधि बढ़ जेते ओना टिल डेथ वो आजीवन सजा वही में ओकर जीवन मृत्यु सारा बुझो जो ही में 16 साल के लड़की के गैंग रेप होत लड़की मेला देखा जाता है और उतर रात के 1:30 बजे शौचालय के लिए लड़की निकले है 4-5 लड़का ओकरा उठा कर स्कूल के छत पर जाकर बेरा बेरी गैंग रेप करे है। अभियुक्त के की नाम छले ओय में अभियुक्त के जफर छले मोहम्मद अहमद छले जिब्रेल छले मुख्तार छले 4 लड़का छले। नाबालिग लड़की के संग दुष्कर्म मामला में 4 अभियुक्त के दोषी करार करत उम्र कैद के भेल सजा संग ही हर अभियुक्त के 25-25 हज़ार के जुर्माना कैल गेल। मधुबनी सिविल कोर्ट में पोस्को एक्ट के तहत बहस के दौरान ADJ 7 दिवेश कुमार नाबालिग लड़की के संग दुष्कर्म के मामला में 4 अभियुक्त के दोषी करार करत ADJ 7 दिवेश कुमार उम्र कैद के सजा सुनौला। एहि केस के एडवोकेट अजय झा यश देख रहल छला। हालांकि थाना कांड संख्या 273/22 में आज 4 आदमी के देवेश कुमार ADJ 7 छथिन मधुबनी कोर्ट में हुनका द्वारा एकटा 4 अभियुक्त के आजीवन सजा कैल गेल है 376D जे गैंग रेप के सजा छे और एकटा पोक्सो एक्ट 4x6 के उसमें दोनों सजा में सासा सजा गेल गया। ओहिमे पीड़िता के 5 लाख रुपया DLSA के द्वारा दिल जेते और हरेक अभियुक्त के द्वारा 25-25 हज़ार से जुर्माना कल गया। अगर वो जुर्माना नहीं दी सकते 1 साल के और अगर सजा अवधि बढ़ जेते ओना टिल डेथ वो आजीवन सजा वही में ओकर जीवन आ मृत्यु सारा बुझो जो ही में काटल जेते। बड़ा निर्मम कांड कल गया रहे एक जो पीड़िता छे अपना परिवार के साथ मेला देखा जाए कसेरा और उत्तर वो शौचालय सोच ले जाए कर और उत्तर 4 लड़का छत स्कूल के छत पर लाइ और 4 साथे गैंगरेप करे तब वो आवाज करे तक परिजन और मेला में से पकड़ाई छे उत्तर स्पोर्टे पर और सारा लड़का पकड़ाई छे और ओकरा आई सजा दिल गया। शुरू से ही केस अहाँ देख रहा जी इसमे बड़ा एकर पहिल बहन पीड़िता छे तकर बड़की बहन के साथ से हो एक समुदाय के द्वारा एनही तरह के घटना कैल गेल रहे और उसके बाद कुछ दिन के बाद ही घटना घटित कल ओहो में 1 तारीख के सजा बिंदु पर देवेश कुमार जी के कोर्ट में छन ओहो में निश्चित हमरा भैया पीड़िता के निश्चित न्याय मिलते और नीक मैसेज गेल समाज ला जे टिल डेथ पूरा आजीवन मृत्यु तक ओकरा जेल में काटे पड़ते। अभियुक्त के की नाम छले ओहिमे अभियुक्त के जफर छले मोहम्मद अहमद छले जिब्रेल छले मुख्तार छले 4 लड़का छले। पीड़ित लड़की थाना में दर्ज प्राथमिकी में बतेने छल कि 5 सितंबर 2022 के रात्रि में हम अपन भाई संग अपन घर से निकल कर कसेरा गांव में मेला देखे गेल छलहुँ। मेला देखे के दौरान शौच के लेल जखन हम मेला से बाहर निकल कर नजदीक के स्कूल के तरफ जाय छलहुँ तखने बीच रास्ता से 3 से 4 लड़का हमरा पकड़ लेलक आ स्कूल के छत पर लौ जाकर बारी बारी से तीनों चारों बलपूर्वक हमरा संग दुष्कर्म केलक। नाबालिग लड़की छले कहाँ नाबालिग छले पीड़ित छले काफ़ी पीड़ित छले मजदूरी करे छले मजदूरी हुनकर बाबूजी माम सब मजदूरी करे छे और बहुत भयभीत रहे जे दिन हमरा लोग केस आयल रहे लड़की के ठीक से आवाज़ नहीं अबे थे वही समय कैलाश विद्यार्थी फाउंडेशन में हम सेहो काज करते रही नाबालिग लड़की पर वही समय ओकरा से फेर ओकरा उत्साह बढ़ा कर जो तोरा किछु नहि हेतौ किछु पैसा दिए लिए ते हिसाब से धीरे धीरे उत्साह बढ़ले तब धीरे धीरे गवाही देलकै यऽ तब ओकरा हौसला बढ़ले यऽ और ओकर हौसला हमरा सबके जीते समाज लए अहाँ सबके बता दी जे ई केस जे छै से एडवोकेट जे छै से एकटा जे लिमिट शुल्क छै जे नेसेसरी छै ओहि शुल्क पर जे छै से ई केस लड़लखिन जेना अपने कहलिए गरीब छलै आर ई केस में इन केनाय और लड़नाय बहुत ज्यादा कॉस्ट भऽ सकै छै फिर अपने जी काफी छलै किएकि दुनू पक्ष होइ छै कोनो केस में पीड़ित पक्ष हम छलिए तऽ कोनो बचाव पक्ष भी छलै बचाव पक्ष पर अच्छा अच्छा अधिवक्ता ओ अपन रखने छलै बचाव लए लेकिन ओहिमे जे कोर्ट छलै से न्याय भेलै यऽ बहुत जीत भेलै यऽ काफ़ी ओहिमे परिश्रम केलै हमर सारा टीम जे छै अजय झा एसोसिएट के जते टीम के छथि काफ़ी सारा दिन राति मेहनत केलै यऽ की सजा की होबाक चाही और कम से कम जे अगर वकील लड़थिन आगा तऽ फिर की कम हेतै सजा कम हमरा नहि बुझाइए कि एहि तरह के मैसेज कम हेतै क्योंकि ओ माननीय उच्च न्यायालय जे सुप्रीम कोर्ट जाइ छथि हुनका न्याय हमरा बुझाइए जे ओतुक जो जज साहब छथिन से देखथिन
कोन तरह निर्मम घटना घटल छै। एक पीड़िता जे जाइ छै मेला तऽ उत्साह सँ जाइ छै, राति के ओतऽ जे एकरा साथे एतेक घटना होइ छै जे ओ ठीक सँ बाजि नहि सकै छलैया, तऽ हमरा नहि बुझाय कि ओतऽ ओकरा न्याय मिलतै, कियाकि घटना मैसेज छै एकटा समाज लए। न्याय जे छै न्याय एकटा समाज वातावरण मे जेतै आओर एहिसँ लोक के भय उत्पन्न हेतै कि आइ ओकरा घटना घटित भेलैया आओर ई तरह के घटना हम नहि करब, चाहियो के नहि करब। सजा जे छै से आजीवन मतलब मृत्यु तक जी। चलू कतौ ने कतौ ई समाज मे एक तरफ अगर गलत घटना भेलै एते बड़का अपराधी के एते बड़का सजा भेटलैया, जे बाकी जे अपराधी छै ओकरा कतौ ने कतौ अपराध करै से डर लगतै संगी।